And welcome back to Kingdom of Learning. So this video is very important for all those students who are preparing for any competitive exam. Because आज से हम अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके लिए हम बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही थी एंड फाइनली दैट हैज बीन पुट इन टू एग्जीक्यूशन. तो अब हमारा क्या काम है, हमारी वो सीरीज क्या होगी, हम उसमें क्या क्या चीजें अपलोड करने वाले हैं और आप उससे किस तरह से बेनिफिट हो सकते हैं, वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एक्चुअली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब में अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में से मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स जो होते हैं उनमें कॉमन ही चीजें आती हैं. अब इंग्लिश के आपके एग्जाम में क्या क्या आता है, एक तो आती है आपकी वोकैबुलरी, कॉमन एरर्स जो कि ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, और तीसरा आता है आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस लाइक कॉम्प्रीहेंशन आप ले सकते हैं, उसमें क्लोज टेस्ट ले सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी की पहले हम एक स्ट्रेटजी आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक टेस्ट दूंगी और उस टेस्ट को आपने अपने एक अलग कॉपी या रजिस्टर में उसके आंसर्स नोट करके रखने हैं क्योंकि उसके आंसर्स आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और हो सकता है वो वीडियो आज ही अपलोड हो जाए या फिर कल अपलोड होगी. तो ये वाली जो हमारी वीडियोस होंगी, हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश की प्रेपरेशन की वीडियोस जो आएंगी वो आएंगी आपकी वीक में 3 डेज 9 PM पर. मॉर्निंग का टाइम जो है वो हमारा स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस आ रही हैं, वो भी आपने वॉच करनी है क्योंकि उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. वो जरूरी नहीं है कि वो स्पोकन इंग्लिश में यूज होना है, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यूज हो सकता है. तो वो सुबह के टाइम आएंगी और रात के टाइम अगर वीडियो आ रही है तो वो होगी आपकी कॉम्पिटिशन की प्रेपरेशन के लिए, जिसमें आपकी एक वीडियो में टेस्ट आएगा तो उससे नेक्स्ट वीडियो में उस टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स आएंगे और उनको हम डिस्कस करेंगे. मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी कि उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है और करेक्ट आंसर क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगी. तो इस तरह से अगर आप अपने कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं रेगुलरली सिंसियरली तो आपको कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे. हर 10 मिनट की जो वीडियो है अगर आप इसको भी देखने लग जाएंगे तो आई एम होपफुल कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. तो अब आते हैं कि अगर आपको प्रेपरेशन करनी है तो उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी. स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि जैसा कि मैंने बोला कि आपकी वोकैबुलरी होगी, ग्रामर होगी और आपके कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश के. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ग्रामर के कॉमन एरर्स. तो उसमें जो है हमारी 10 वीडियोस आएंगी. पहले हर वीडियो में मीन्स पहली वीडियो में एक टेस्ट होगा जिसके लिए आपने उस टेस्ट के आंसर्स को एक जगह पर लिख कर रख लेना है और आपने मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आप उनमें से कौन से क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ताकि अगली वीडियो में हम डिटेल में उन्हीं 10 क्वेश्चंस को, 10 कॉमन एरर्स को डिस्कस करेंगे. उसमें मैं आपको लॉजिक बताऊंगी और करेक्ट आंसर बताऊंगी. फिर उस सेकेंड वीडियो में आपने मुझे कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताने हैं, आपके 10 में से कितने मार्क्स आए. तो इस तरह से हम चलेंगे. अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. तो आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने अभी आने वाले हैं, उनके आंसर्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और लोगों के साथ जो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं. और वैसे भी अगर आप अपनी ग्रामर इंप्रूव करना चाहते हैं तो भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, इन टेस्ट्स को कर सकते हैं. ये एक तरह से आपके लिए फ्री प्रैक्टिस मटेरियल है, आप इनको करें और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, आपके कितने मार्क्स आए. और आई होप कि हर वीडियो के बाद आप अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट देखेंगे. तो इस तरह से आप अपने आप को जज भी कर सकते हैं, आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं. तो पहली हमारी 10 वीडियोस होंगी वो ग्रामर के कॉमन टॉपिक्स मींस कॉमन एरर्स से रिलेटेड होंगी और उसी के बीच में मैं आपको हर तरह के रूल्स भी बताती जाऊंगी कि ये हो तो ये लगाना है, ये है तो ये लगाना है, कि उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं. सो डेफिनेटली यू विल इंप्रूव. सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट नाउ. टेस्ट की कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस आपको वीडियो को देखते जाना है और हर क्वेश्चन को रीड करके उसके जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आप अपनी एक नोटबुक बनाते जाएं, उसमें लिखते जाएं और नेक्स्ट वीडियो में जब आंसर्स आएंगे तो आप उनको चेक कर लेना कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं और जो रॉन्ग थे उसके पीछे क्या रीजन था वो मैं आपको बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट. सो सी यू आफ्टर द टेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो.